सो आई गेस मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। ये उल्टा दिख रहा है ना, तो ये लिखा हुआ है जस्ट डू इट है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ये आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, जब नए मेडिकल रैप्स ज्वाइन करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में क्या क्या मिलता है। भाई आप में से भी बहुत लोग हैं जो फर्स्ट टाइम फार्मा ज्वाइन करने वाले हो एज अ मेडिकल रैप्स, तो आपको ये डाउट्स रहता है कि यार भाई स्टार्टिंग में ज्वाइन करूँगा तो कंपनी की ओर से मुझे क्या क्या मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो पहली चीज़ तो आप यहाँ से बात कर लेते हैं, जैसे ही आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइनिंग से पहले वहाँ पर लेटर आ जाता है। लेटर जो आपका रहता है आपको सॉफ्ट कॉपी आ जाती है, जो उसकी हार्ड कॉपी आपके ज्वाइनिंग से 15-20 दिन के बाद आपको मिल सकती है भाई। तो यहाँ पे आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपका क्या रहता है, एक लेटर आपको साइन करके देना होगा। वो लेटर पे आपके एरिया मैनेजर, क्योंकि आप सिंगल तो ज्वाइन करोगे नहीं, आपका इंडक्शन होगा, इंडक्शन में जो भी आपके एरिया मैनेजर रहेगा या RBM रहेगा, कभी कभी सीनियर MR भी आपको ज्वाइन कराएगा। इंडक्शन बोले तो जब आपका फर्स्ट डे रहता है फील्ड पे, तो जब आपका कभी भी फील्ड पे फर्स्ट डे रहता है ना, तो आप अकेले काम नहीं करोगे। मैं सिर्फ अच्छी कंपनीज की बात करूँ भाई, तो वहाँ पे आपके साथ या तो सीनियर मेडिकल काम करेगा। बहुत बार रहता है कि भाई एरिया मैनेजर ही ज्वाइन करता है, कभी कभी कंपनी में एरिया मैनेजर नहीं रहता है भाई, तो वहां पे RBM आएगा आपको ज्वाइन कराने के लिए। और कभी कभी कंपनियों में RBM भी नहीं रहता है भाई, क्योंकि वो रहता है RBM को बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो किसी और हेडक्वार्टर पे काम कर रहे हो तो वो नहीं आ पा रहे। तो इसी कंडीशन में आपको एक सीनियर MR आपको ज्वाइन कराएगा और वो लेटर पे साइन करके देगा कि भाई ये 2-3 दिन का आपका इंडक्शन होगा। इंडक्शन पे आपको क्या क्या सिखाया जाता है, इंडक्शन कैसे लेना है, उस पर भी हम 2-3 दिन का इंडक्शन रहता है, 3 दिन का मैक्स टू मैक्स इंडक्शन रहता है, तो मैं उस पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी हम उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे भाई कंपनी की ओर से आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपका यहाँ पे इंडक्शन कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे आपको पहले एक लेटर मिल गया, उसके बाद भाई आपका वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आएगा, आपका जो ऑफर लेटर रहता है वहाँ पे पैकेज वगैरह का सबका पहले ही आपको ये हो जाता है। उसके बाद जो उसकी हार्ड कॉपी आती है ना, वो भी कंपनी से निकलती है, बाय कुरियर निकलती है, वो आपको आती है, तो वो आपको 1-2 वीक या फिर डिपेंड करता है भाई आप कौन सी सिटी में काम करो, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके एरिया मैनेजर के पास आती है दोस्तों। वो एरिया मैनेजर से फिर आपको मिलती है और वो वहाँ पे आपको साइन करके 2 कॉपी आती है, एक अपने एरिया मैनेजर को रिटर्न देना होता है और एक अपने पास रखना पड़ता है। ये तो आपका लेटर हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको एक मिलेगा सिम। अभी बहुत सारी कंपनी क्या करती है भाई कि जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे सिम मिल गया है, तो वहाँ पर उसका रिचार्ज कंपनी करती है, मुझे कुछ भी नहीं करना रहता है। काफ़ी सारी कंपनियों में ये रहता है कि भाई आपका जो उसका रिचार्ज रहता है या तो आप कर लिया करो या फिर उसका बिल लगा दिया करो, ये सारी चीज़ें रहती है, या फिर कंपनी ऑलरेडी कर देती है। तो अभी 50-50 मान के चलते 50% कंपनी आपको सिम देगी, जो कि ऑलरेडी उसमें बैलेंस वगैरह रहता है, वो कंपनी उसका रिचार्ज कर देती है, और बहुत सारी कंपनीज बिल देती है। तो भाई जो कंपनी में आप बिल लगा सकते हो ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि देखो मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ, अभी मुझे मिलता है तो वही 600-700 रुपये कंपनी में 3 महीने का मुझे रिचार्ज करा के दे देती है। बाकी जब मैं बिल लगाता था पहले तो हमें 1400-1400 रुपये मुझे मिलता था पर मंथ मोबाइल और इंटरनेट का। तो भाई कंपनी अभी कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर देती है, सभी कंपनी कर रही है भाई, मेरी कंपनी नहीं कर रही, सभी कंपनीज कर रही है। तो देखो ये तो सिंगल चीज हो गई। अभी क्या मिलेगा भाई, जैसे ही मेडिकल रैप ज्वाइन करोगे आपको मिलेगा एक बैग, वर्किंग बैग। वर्किंग बैग आपको न्यू मिलता है, ऐसा नहीं कि भाई यूज्ड बैग मिल जाएगा। अच्छी कंपनी की बात करो, वहां पे आपको नया बैग मिलेगा, वहां पे आपको नए विजुलेट मिलेंगे, जो कि आपको फोल्डर रहते हैं ना, कोई विजुलेट बोलता है, कोई फोल्डर रहता है जिससे आपको डॉक्टर के पास डील करना, वो मिलेंगे आपको। मिलेगा रिमाइंडर कार्ड्स मिलेंगे, सारे रिमाइंडर्स कार्ड मिलेंगे, और साथ में आपको स्टेशनरी मिलेगी। अभी स्टेशनरी क्या रहता है, देखो अभी तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेल या ऑनलाइन हो गई है, बाकी कुछ कंपनी ऐसी भी है जहाँ पे आपको स्टेशनरी देती है। स्टेशनरी में आपका LEA पेड हो जाएगा, आपका लीव पेड हो जाएगा, कुछ कंपनियों में आपको एक्सपेंस नोट करके बनाना रहता है, पेपर में बनाना रहता है, तो एक्सपेंस शीट मिलेगा आपको। मतलब जो जो चीज़ें आपको यूज़ होने वाली रहती है उसकी पूरी स्टेशनरी का आपको एक सेट मिल जाएगा। ये आपको ईयरली बेसिस पे मिलता है दोस्तों। इसके बाद आपको जो मिलेगा, देखो ये फिर जो अगली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिलता है दोस्तों। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है, कुछ कुछ कंपनियां दोनों देती है दोस्तों। यहाँ पे आपका PF भी कटता है। ये मैं सिर्फ अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ भाई, जो एक अच्छी रिनाउंड कंपनीज रहती है वो ही करती, जो आपको लेटर वगैरह प्रोवाइड करेगी वो सारी चीज़ें डिडक्ट करेगी, क्योंकि ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलते गिफ्ट्स मिलेंगे, आर्टिकल्स, जो गिफ्ट्स आर्टिकल मिलेंगे वो मिलेंगे, उसके बाद सैंपल मिलेंगे। बाकी ये डिपेंड करता है भाई कि आप कौन से हेडक्वार्टर पर काम कर रहे हो। कभी कभी क्या रहता है भाई कि एज अ बहुत सारी कंपनी ऐसी रहती है कि जब नया मेडिकल रेप्स कोई ज्वाइन करता है ना, तो उसको जो गिफ्ट्स रहते हैं, जो सैंपल्स रहते हैं,
वो प्रोवाइड नहीं करते 2 महीने 3 महीने के लिए। वन मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी सेम है कि भाई अगर कोई मेडिकल रेप्स नया ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, अगर इस कंपनी में नया है ना भाई, तो वहाँ पे हम उसको ना सैंपल देंगे ना गिफ्ट देंगे, बस 3 महीने के लिए ऐसा रहता है। क्या सैंपल तो फिर भी दे देते पर गिफ्ट्स नहीं देते। देखो उसके पीछे का रीज़न रहता है, बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एक बार और कर लेते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लड़का आता है ना भाई, उसको इतना आइडिया नहीं रहता है कि भाई ये जो गिफ्ट है, ये जो आर्टिकल है, मुझे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे इनपुट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कंपनी को लॉस होता है उससे। तो भाई ऐसी चीज़ें नहीं करना है, इसीलिए कंपनी पहले आपको फील्ड में उतारेगी। 3 महीने आप टेरिटरी को समझ लो, सारी चीज़ें, गिफ्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कौन से डॉक्टर गिफ्ट को पसंद करते, कौन से डॉक्टर सैंपल की डिमांड करते, आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। आपको RCPA पता रहे कि मुझे ABC के सैंपल आएंगे, तो एक वाला सैंपल कौन से डॉक्टर को देता हूँ जिसका कॉम्पिटिटर डॉक्टर लिखता है, फिर डॉक्टर मेरा ही ब्रांड लिखता है, तो मुझे वहाँ पे कौन सी मेडिसिन देना है। ये सारी चीज़ें आप बेसिक्स कंप्लीट कर लो। इसके लिए ऐसा होता है कि भाई स्टार्टिंग में आपको जो गिफ्ट्स रहते हैं, जो सैंपल्स रहते हैं, वो नहीं प्रोवाइड करते। देखो ये बहुत कम कंपनियों का बोल रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो गिफ्ट्स रहते हैं, आप नए हो तो आपके एरिया मैनेजर को देंगे, तो जब भी आपके एरिया मैनेजर आपके साथ ज्वाइंट वर्किंग पर रहेंगे तब आपको गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, उससे पहले आप गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे तरीके दोस्तों, हर कंपनी का अपना अपना तरीका रहता है काम करने का, पर जो बेस्ट तरीका रहता है, जो सही तरीका रहता है, वो मैंने आपको बता दी कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल सकती है, जैसे वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी हेलमेट भी आपको प्रोवाइड करेगी साथ में, कुछ कंपनियाँ रेनकोट प्रोवाइड करेगी, कुछ कंपनी आपको इंप्रेशन चेक देगी। भाई इंप्रेशन चेक क्या होता है कि भाई वो आपको जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो भाई आपको एक चेक दिया जाता है, बहुत सारी कंपनी आज भी देती है, जिसका अमाउंट कंपनी टू कंपनी होता है, जो कि आपको एक नॉर्मली इंप्रेस चेक दिया जाता है, जिसका कि अमाउंट 2500-3000 कुछ भी हो सकता है। भाई मुझे जब मिला था वो शायद 2500 रुपये का था। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, साथ में आपको सारे वहीं पे जब आप कोई कंपनी की ट्रेनिंग वगैरह में बैठे हो, तो अगर अभी तो फिजिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ऑनलाइन ही हो रही है, जब आपका इस टाइप से ट्रेनिंग होगा तो वहीं पे आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा दोस्तों। आपको ATM, पासबुक, चेकबुक वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि जो बैंक रहती है वहाँ पे जो भी उनके एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो वहीं पे आ जाएंगे, वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वहीं आपको A to Z चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं कि आपको इस चीज़ के लिए यहाँ जाना है, इस चीज़ के लिए आना है, आपको सारी चीज़ें कंपनी से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।